इतनी बड़ी चोरी हुई और इस बात का पता हमें अब चल रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें किस बात के पैसे देता हूँ। काला को फोन लगाओ। अरे बॉस, मैं आपको क्या ही बताऊं, हमारे खबरी लोगों ने ही हमें खबर लेट से पहुंचाई। कोई बात नहीं, अभी मैं काला को फोन लगाता हूँ और अभी उस एडम को ठिकाने में लगवाता हूँ। हेलो काला, सुन, तेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। जी बॉस, आप काम तो बताओ, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। तू जिस जेल में है उस जेल में तुझे एडम मिलेगा, उसके हाथ तोड़ या पैर तोड़, लेकिन उसे किसी भी हालत में गोल्ड का लोकेशन पता लगवा, यही तेरा काम है। समझो आपका काम हो गया। मैं बस्ती का हस्ती ब्रो, आगे ले भाई लगवी कर। जरा देख तो, भाई ने इसी को उठाने को बोला है ना। जेल में बात यह पूरी फैल चुकी थी कि एडम को वहाँ पे आज बहुत पीटा जाने वाला है। सारे लोग बाउडी शौडी बना के तैयार हो रहे थे कि एडम जैसे ही आएगा उसे भगा भगा के मारेंगे। अब आगे क्या होगा ये तो एडम को भी नहीं पता। और मैं बस्ती का हस्ती ब्रो, आगे ले भाई लोग कल टिलो। अरे मेरे को क्यों दौड़ा, अरे मेरे को भी पकड़म पकड़ाई खेलते हो ना जी। अरे बचाओ मेरे को, जेलर जेलर अंकल बचा लो मेरे को, ये लोग मेरे को बहुत मारेंगे। अरे बाप रे, मैं तो बस अपना गाना गा रहा था, इतना खराब। अरे बेटा रुक जा, बेटे तुम्हें नहीं मारेंगे, रुक जा बेटा। अरे ओए, उसे पकड़ो। ओए अब कहां जाएगा बे एडम। अरे ये बेटे, तूने बुढ़ों को बहुत ज्यादा डरा दिया, मेरी तो कमर में दर्द हो गया बेटे, तू तो गया बेटे। चल शांति से लोकेशन बता दे हमें, गोल्ड तूने कहां छुपा रखा है। नहीं तो मैं भी मारूंगा। लोकेशन बता दे वरना एक कमर लोकेशन होता है बेटे। उन्हें फिर से दादाजी को मारा, ताले एडम मुक्का मार दूंगा तेरे को मैं। बेचारे एडम की बहुत ज्यादा पिटाई हो जाती है, फिर भी एडम बताता नहीं है गोल्ड का लोकेशन। वाह क्या बात है, क्या बात है। अरे ये एडम ने तो लुल्ली कसन बताया नहीं अभी तो। ओए, इस एडम ने तो लोकेशन ही नहीं बताया, अभी बॉस को फोन लगा के बताना पड़ेगा। हेलो बॉस, उसने तो मुंह ही नहीं खोला, अब क्या करूं बताओ। हाँ मुझे तो लग ही रहा था काला कि वो एडम इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलने वाला। एक काम करो, जैसे ही वो होश में आता है उसे और मारो, इतने दम तक मारो, इतने दम तक मारो कि उसकी हड्डियां टूट जाए और वो बताने में मजबूर हो जाए, फिर देखता हूं कि ये मुंह कैसे नहीं खोलता। आज की ताजा खबर, एडम ने की बड़े वाले बैंक की चोरी। अब देखना यही होगा कि पुलिस आगे क्या कदम उठाती है। उसके साथ ही भाग चुके हैं बहुत सारे कैश के साथ। ये न्यूज में क्या चल रहा है, एडम कैसे पकड़ा जा सकता है, वो तो हमसे पहले निकल गया था ना। देखो एडम के पकड़े जाने का जो भी कारण हो, लेकिन उसे हमें आज किसी भी तरह से जेल से बाहर निकलवाना होगा, क्योंकि उसी ने हमें इतना ज्यादा अमीर जो बनाया है। अरे रेड क्रिमिनल भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तो कहता हूँ कि अभी के अभी जाते हैं और जेल से उसे छुड़ा के लाते हैं। वहाँ पे जितने गार्ड्स होंगे उसको मैं देख लूंगा। तू तो रहने ही दे, ये जो तू बिना सोचे समझे चीजें करता है इसके वजह से हमें हर बार भुगतना पड़ता है। इसी तरह से रैंक गेम में भी हमारी स्क्वाड बस तेरे वजह से पिट जाती है। तुम दोनों एकदम शांत हो जाओ, हम आराम से बैठकर पहले प्लान बनाएंगे और उसके बाद जाके अटैक करेंगे। ऐसे ही नहीं मुंह उठा के चले जाएंगे, समझे। इतने दिनों से मैं इस चोरी के बारे में प्लान कर रहा हूँ और एक नूबड़ा आके उसको एक झटके में ले गया। आज रात उसे जेल से उठा लो। ठीक है बॉस, हम सब निकलते हैं, आज तो वो एडम नूबड़ा नहीं बचेगा हमारे हाथों से। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ नहीं रही है कि हम तो बस चार ही लोग हैं, हम चार से क्या होगा, इतना बड़ा जेल, इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड वाले। ये तो सोचने वाली बात है, हम तो बस चार ही लोग हैं, हमसे क्या होगा। हम चार नहीं, पांच लोग हैं, पांच लोग। अरे येलो क्रिमिनल, तुम यहाँ पे, अरे इतने दिनों से कहाँ पे थे तुम। तुम्हें नहीं पता, टोनी के मिशन में तुम अकेले नहीं थे, मैं भी था जब भैया के साथ। अरे देख भाई येलो क्रिमिनल, तू हमारा इतना दिमाग मत घुमा, तो हमें बस सीधा सीधा ये बता कि शुरू से आखिर हुआ क्या था, तू एडम के साथ कैसे मिला। चुप बन जाता हूं, रुक जाओ, रुक जाओ।
उसके बाद येलो क्रिमिनल बताना स्टार्ट करता है अपनी स्टोरी कि कैसे बस एक प्लान नहीं था, एडम का मकसद बैंक में पड़े बस उस कैश को चुराना नहीं था, बल्कि वहां पे और भी कई ज्यादा चीजें थी, जैसे भर भर के सोना। उस सोने को एक पीले ट्रक में भर के येलो क्रिमिनल निकल जाता है वहां से और उसके बाद दूर कहीं जंगल में जाके उस ट्रक को लगा देता है ठिकाने। तो ये था एडम का असली प्लान। अच्छा है, अच्छा है। तो देखो ये सब हुआ था समझे। चलो चलो, अब वक्त आ गया है एडम को छुड़ाने का। जैसा जैसा हमने प्लान किया है, बिल्कुल प्लान के मुताबिक हम जाएंगे जेल के अंदर और सारे गार्ड्स को सुलाकर एडम को वापस छुड़ा लेंगे। अच्छा है, अच्छा है। तो इसी तरह सारे क्रिमिनल्स निकल जाते हैं प्रिजन की तरफ ताकि वो एडम को छुड़ा पाए, लेकिन वहां पे पहुंचते ही उन्हें दिखता है कि गार्ड्स तो काफी ज्यादा हैं। उसके बाद वो लोग दिमाग लगाते हैं और ये देखते हैं कि गार्ड्स को कैसे चकमा दिया जाए। अन्य बाप ने इतनी छाने गाज, हम कैसे मनेंगे। अच्छे, मेरी बात ध्यान से सुनो। येलो क्रिमिनल तुम्हारे साथ जाएगा, पर्पल क्रिमिनल और ग्रीन क्रिमिनल, और मैं और ब्लू क्रिमिनल जाएंगे राइट साइड से ताकि हम तुम्हें वहां से कवर दे सके। छाना खा मुझे करना पंचायत। छोरे के तू कहां से आ रहा है? क्या बात है पीले, कमाल कर दिया। शाही का मुझे चंगा में, आ जाओ तुम भी आ जाओ। आज तो ये कुछ ज्यादा ही फॉर्म में लग रहा है मुझे। अरे ये तो अच्छी बात है, चलो चलो जल्दी चलो। अरे मेरे लिए तो रुको, मैं नहीं आऊंगा तो तुम आगे कैसे जाओगे। और उसके बाद सारे क्रिमिनल्स जेल की छत पर चढ़ जाते हैं क्योंकि वहां से पूरा जेल उनको आराम से दिखाई देता है। एक एक करके पीला क्रिमिनल सारे गार्ड्स को मारता जाता है और सारे क्रिमिनल्स फिर जेल के अंदर दाखिल हो जाते हैं और एडम को ढूंढने लगते हैं। अरे क्या बात करते हो, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या। चाय पीना हो गया तो इधर बात कर लो, मैं आया हूँ तुमसे मिलने के लिए समझे। अरे इसको कभी देखा है क्या? रे क्या बात करते हो, मैंने तो नहीं देखा ना। अरे मैंने भी कहा देखा ना, तुम दोनों में से मुझे किसी ने नहीं देखा, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये तो गोलियां चला रहा है। सबको मान गया, अभी जाके एडम को सुनाता हूँ। अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है तू अकेले अकेले, रुक जा रुक जा। चलो चलो एडम भाई, कहाँ जाएंगे तुम एडम भाई? एडम भाई अरे चंदा मामा दूर के, पुए पकाए गोड़ के, हम भी खाए थाली में, मुन्ना को दिए प्याली में। अरे यार पता नहीं सारे लोग अभी फुल मजे कर रहे होंगे, इतने सारे पैसे मिले होंगे उनको और मैं इधर जेल में पड़ा हुआ हूँ। और उसके बाद येलो क्रिमिनल पहुंच जाता है एडम के पास और उससे पूछता है कि एडम भाई चलो हम तुम्हें आए हैं छुड़ाने, और एडम फिर उसके साथ चला जाता है। अरे ये तो येलो क्रिमिनल की आवाज लग रही है, तुम यहाँ पे कैसे आ गए? अरे तुम्हारे साथ तो रेड क्रिमिनल भी आया है, क्या बात है, तुम लोग मुझे यहाँ पे छुड़ाने आए हो, तुम लोग कितने ज्यादा अच्छे हो, चलो चलो इधर से निकलते जल्दी। एडम भाई हम आपको छुड़ाने आए हैं, छुड़ाने चलो चलो। अरे एडम पहले निकलो उसके बाद बातें करना, क्योंकि अगर यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस आ गई ना तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, इसलिए जल्दी से जल्दी निकलो। तो दोस्तों यहाँ पे येलो क्रिमिनल और बाकी के क्रिमिनल मिलके एडम को छुड़ा के ले जाते हैं अपने साथ, लेकिन क्या कहानी का अंत यहीं पे हुआ है? नहीं दोस्तों, साकुरा भी अभी एडम के पीछे ही पड़ा है, आगे कहानी में कुछ भी हो सकता है। और ऊपर से ये सिक्योरिटी फोर्सेस वाले भी जेल में आ जाते हैं और सीसीटीवी कैमरा से ये पता लगा लेते हैं कि जेल से एडम को भगाने में किसका किसका हाथ था। आगे क्या होगा दोस्तों वो तो हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जी सर, एडम के साथ ही उसे जेल से भगवाने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन हम उसे नहीं छोड़ेंगे, हम उसे जरूर पकड़ेंगे।
और उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा यहाँ पे तैनात है। क्रिम्सन, अब बस एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि मैंने सब पर भरोसा करके देख लिया, किसी में भी इतनी औकात नहीं कि वो एडम को हरा सके।